शाओमी इंडिया के साथ साथ ग्लोबल लेवल पर एक बड़ा टेक ब्रांड बन चुका है, और शाओमी के अब जो फ्लैगशिप फ़ोन्स आते हैं ना, वो डायरेक्टली कम्पीट करते हैं आईफोन्स के साथ, गूगल पिक्सल के फ़ोन्स के साथ, क्योंकि शाओमी अब अपने फ़ोन्स में नेक्स्ट लेवल फीचर देता है और फ्लैगशिप प्राइस में उन्हें लॉन्च करता है। सो अगर आप एक शाओमी लवर हैं और हर साल उसकी फ्लैगशिप सीरीज़ का वेट करते हैं, तो मैं आपको एक अच्छा अपडेट ये दे देती हूँ कि फाइनली शाओमी की फ्लैगशिप सीरीज़ लॉन्च होने वाली है ग्लोबल लेवल पर, और ये सीरीज़ होगी शाओमी 15। तो आपको ये पता होगा आईफोन की तरह हर साल शाओमी अपनी फ्लैगशिप सीरीज लॉन्च करती है, उसमें दो मॉडल्स लॉन्च करती है, एक बेस वेरिएंट और एक प्रो वेरिएंट। तो इस बार शाओमी 15 सीरीज ऑफिशियली लॉन्च होने वाली है, और इसकी ऑफिशियल लॉन्च डेट होगी 29 अक्टूबर, और इसे सबसे पहले चाइना में लॉन्च किया जाएगा। सो इस बार की जो शाओमी 15 सीरीज है, 14 सीरीज के मुकाबले बहुत सारे नए अपग्रेड्स मिलने वाले हैं। इसमें आपको एक लेशा सपोर्टेड हाई एंड कैमरा मिलेगा, साथ ही में इस बार एक नया वेरिएंट लॉन्च किया जाएगा, शाओमी 15 अल्ट्रा वेरिएंट। सो शाओमी 15 सीरीज के लॉन्च से पहले इसके प्राइस और इसके लीक्ड स्पेसिफिकेशन सामने आ चुके हैं, तो मैं एक अंदाज़ा आपको बता सकती हूँ कि क्या प्राइस पॉइंट रहेगा इस बार शाओमी 15 सीरीज़ का। सो आपको याद होगा शाओमी 14 सीरीज़ को इंडियन मार्केट में 70,000 के स्टार्टिंग प्राइस पे लॉन्च किया गया था, उसका जो हाई एंड प्राइस है वो 80,000 तक गया था। सो मेरा मानना है कि इस बार की जो 15 सीरीज़ लॉन्च की जाएगी, उसका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, और इसे इंडिया में मार्च में ऑफिशियली लॉन्च किया जाएगा। सो आपने शायद ये ऑब्जर्व किया होगा कि इंडियन मार्केट में जब फ्लैगशिप लेवल्स फ़ोन लॉन्च किए जाते हैं, उनका प्राइस कंपैरेटिवली जो ग्लोबल मार्केट में प्राइस होता है थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो इससे मैं ये अंदाज़ा लगा रही हूँ कि जो शाओमी 15 सीरीज़ है वो थोड़ी एक्सपेंसिव हो सकती है इस बार, जो लास्ट ईयर 14 सीरीज़ लॉन्च की गई थी। लेकिन माना ये भी जा रहा है कि 15 सीरीज़ में इस बार बहुत कुछ नया मिलने वाला है, AI फीचर्स भी इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। सो जो कुछ लीक रूमर्स आए ना, वो मैं आपको बता देती हूँ। जो इसका बेस मॉडल है, जो सबसे पॉपुलर मॉडल रहता है शाओमी 15, उसमें आपको 6.36 इंच का एक फ्लैट एमुलेट डिस्प्ले मिल सकता है, 120 हर्ट्ज तक का हाई रिफ्रेश रेट रहेगा। लेकिन जो प्रो मॉडल है वो अपने बड़े डिस्प्ले साइज़ के लिए जाना जाता है, जैसे आपने आईफोन 16 सीरीज़ देखी होगी, जिसमें 16 प्लस और जो 16 प्रो मैक्स वेरियंट होता है उसमें आपको बड़ा डिस्प्ले साइज़ मिलता है। वही आपको इसके प्रो वेरिएंट शाओमी 15 में 6.78 इंच का एक बड़ा डिस्प्ले मिल सकता है, और इसमें आपको जो एक यूनिक फीचर मिलेगा वो होगा 2K रेजोल्यूशन वाला एमुलेट डिस्प्ले, मतलब ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन रहेगा, डॉल्बी विजन सपोर्ट होगा, HDR10+ को भी सपोर्ट करेगा, और इसमें आपको जो एक यूनिक फीचर मिलेगा जो इसके बेस वेरिएंट से डिफरेंट बनाता है, वो है क्वाड कैमरा सेटअप। और मैं आपको बता देती हूँ कि शाओमी के फ़ोन्स में स्पेशली कैमरा फीचर्स काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड होते हैं, और इसकी कैमरा परफॉर्मेंस डायरेक्टली कम्पीट करती है आईफोन्स और सैमसंग के फ़ोन्स के साथ। इस बार ये देखना है कि कौन कौन से नए सेंसर्स कंपनी देने वाली है अपने कैमरा फीचर्स में। अब इसी के साथ ये जो फ़ोन है, ये लेटेस्ट प्रोसेसर के साथ आएगा, जो कि आजकल बहुत ट्रेंड में है, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 एलीट चिपसेट। सो कंपनी ने एलीट डेडिकेटेडली इसमें नाम इसलिए दिया है क्योंकि एलीट फोन्स के लिए ही डिज़ाइन किया जाता है। सो स्नैपड्रैगन 3 प्रोसेसर के बाद अब ये नेक्स्ट क्वालकॉम का फास्टेस्ट प्रोसेसर है, जो कि अपकमिंग फोन्स में देखने के लिए मिलेगा। और सिर्फ शाओमी 13 सीरीज नहीं, जितने भी बड़े टॉप प्लेयर्स आने वाले हैं, OnePlus 13, iQOO 13, माना जा रहा है इन सभी मॉडल्स में आपको ये सिमिलर प्रोसेसर मिल जाएगा। साथ ही में पावरफुल प्रोसेसर के साथ आपको इस फोन में 16GB तक का रैम सपोर्ट और 1TB तक का स्टोरेज सपोर्ट मिल सकता है। तो ये सारे एक एवरेज फीचर्स हैं जो मैंने आपको बताया, जो लॉन्च से पहले लीक हो चुके हैं। अब जैसे मैंने कैमरा परफॉर्मेंस की बात की थी, कैमरा फीचर्स की बात की थी, सो ये ऑब्वियस है कि शाओमी हर सीरीज में अपने नए कैमरा फीचर्स को अपग्रेड करती है। इस बार के जो नए एड ऑन्स हो सकते हैं वो बहुत माइनर एड ऑन्स होंगे, लेकिन वो कैमरा की पिक्चर क्वालिटी पे काफी ज्यादा इफेक्ट करेंगे। जैसे आपको 5x तक का ऑप्टिकल जूम सपोर्ट मिल सकता है, जो हमने पहले आईफोन 15 प्रो मैक्स वेरिएंट में देखा था। साथ ही में इसमें आपको 50 मेगापिक्सल का एक टेलीफोटो सेंसर नया मिल सकता है, और 50 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड सेंसर मिल सकता है। तो जैसे मैंने बोला कि कैमरा फीचर्स में बहुत मेजर अपग्रेड्स नहीं होंगे, लेकिन कुछ माइनर अपग्रेड्स कर सकती है कंपनी। मैंने अभी जो आपको फीचर बताया ना, ये मेनली इसके बेस वेरिएंट और इसके प्रो वेरिएंट में कुछ सिमिलर फीचर्स होंगे, बस जो बैटरी साइज है और जो डिस्प्ले साइज है वो डिफरेंशिएट रहेगा, और एक एक्स्ट्रा कैमरा सेंसर आपको इसके प्रो मॉडल में मिल सकता है। अब ये तो बात हो गई नॉर्मल बेस वेरिएंट्स की, लेकिन अल्ट्रा वेरिएंट जो है वो भी इस टाइम थोड़ा सा ट्रेंड में है। लेकिन जो शाओमी 15 अल्ट्रा है, उसका मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगी, जिसमें आपको बताऊंगी कि अल्ट्रा वेरिएंट में इस बार क्या क्या नया हो सकता है।
तो मैंने आपको इस वीडियो में सारे लीक्ड फीचर्स और उसके स्पेक्युलेटेड स्पेसिफिकेशंस के बारे में बताया, तो आप भी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि Xiaomi 15 सीरीज में इस बार और क्या नया होना चाहिए और आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं कि भाई 14 सीरीज के बाद 15 सीरीज में एटलीस्ट इतने चेंजेस तो होने चाहिए। सो अगर आप एक Xiaomi लवर है तो अपना ओपिनियन हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें और सभी Xiaomi लवर्स के साथ ये वीडियो शेयर भी करें, इसे लाइक भी करें और ऐसे ही टेक रिलेटेड वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।